हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो पहले तो क्लास को शुरू करने से पहले विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन देखो, साल तो बदलता रहेगा, लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक हालात नहीं बदलेंगे, तब तक साल बदलने से हमारी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है नहीं, है ना। तो चेंजेस कब आएंगे? जब हमारा सिलेक्शन होगा। तो आइए जरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं काफी इंपॉर्टेंट न्यूज जो सारे न्यूज पेपर्स के अंदर है। अच्छा, एक चीज और, पहले क्लास को जरा शेयर वेयर मार दीजिएगा। उसी के साथ साथ आज आपका सुबह करेंट अफेयर्स का क्लास नहीं हुआ है, बट कल जब आप सुबह आएंगे 7 बजे, तो आज का और कल का दोनों दिन का करेंट अफेयर्स एक साथ आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलिए तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट। अब पहले तो हम जरा जानते हैं कि ये डिस्प्यूट कहाँ से शुरू हुआ, क्यों इसके ऊपर विवाद है, और क्यों कहा जा रहा है कि यूपी के अंदर दूसरी अयोध्या जैसी जो सिचुएशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार फिर से ये सुर्खियों में क्यों आ गया है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो यहाँ पे आपको कृष्ण जन्मभूमि देखने को मिल रही है, जब मैं मथुरा गई थी अपने बर्थडे वाले दिन, उस दिन इस जगह पे भी हम गए थे, तब हमने भी यहाँ पर इस जगह को, इस लोकेशन को देखा था। तो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ तो यहाँ पर रहती है, लेकिन ये जगह डिस्प्यूटेड है और एक बार फिर से ये सुर्खियों में आई है। तो इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे पूरी जो कहानी है वो शुरू कहाँ से हो रही है और अभी इसके ऊपर क्या जजमेंट दिया गया। तो आइए जरा पहले जानते हैं कि न्यूज में आई क्यों। देखिये, आप सबको पता है कि भाई 30 दिसंबर अभी आया था, मोदी जी अयोध्या गए हुए थे, वहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस इसको भी लॉन्च किया गया, अमृत भारत ट्रेन भी आई, साथ ही साथ में अयोध्या जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी बदला गया, उसको इनोग्रेट किया गया, साथ ही साथ में वाल्मीकि जी के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको भी लॉन्च किया गया। ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन असली दिवाली जो अभी बाकी है वो है 22 जनवरी को, यानी कि 22 जनवरी वो दिन होने वाला है जब अयोध्या मंदिर, यानी कि अयोध्या के अंदर जो भगवान श्री राम का मंदिर है, जो टेम्पल है जिसे बनाया जा रहा है, वो कंप्लीट होगा और उसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। जबकि उसका जो नीचे का स्ट्रक्चर है वही अभी पूरा होगा, बाकी वो कंप्लीट होते होते 1-2 साल का समय और लगेगा। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह जो विवाद है ये एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। क्यों आया है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, अभी क्या हुआ, 14 दिसंबर को अलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक जजमेंट रिलीज किया जाता है, एक यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया। एक अनाउंसमेंट जो कि अलाहाबाद हाईकोर्ट से आया है, वो अनाउंसमेंट दिया गया है कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर, डिस्प्यूट को लेकर, जिसको हेड किया जा रहा था, यानी कि एक बेंच बनी थी जिसको हेड कर रहे थे मयंक कुमार जैन जी। उनके द्वारा कहा गया कि इस पर्टिकुलर जगह का सर्वे किया जाएगा, यानी कि ये जो आपको इधर शाही ईदगाह वाली जो ये लोकेशन दिखाई दे रही है, ये जो पीछे का एरिया दिखाई दे रहा है, ये देखेंगे तो ये भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी सेम कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बराबर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ईदगाह देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो बेंच बनी थी, उस बेंच के द्वारा कहा गया है कि यहाँ बनाया जाएगा कोर्ट कमिश्नर, जिसका काम ये होने वाला है कि जो ईदगाह साइड आपको दिखाई दे रही है, इसका प्रॉपर सर्वे किया जाएगा। अब सर्वे क्यों किया जाएगा? सर्वे करने का मेन रीजन यहाँ पर ये है कि ये जो कृष्ण जन्मभूमि है, क्या इसका इससे कोई लेना देना है, यानी कि क्या ये जो जगह यहाँ पे आपको नजर आ रही है, भगवान श्री कृष्ण जी की जो जन्मभूमि है, ये तो पहले से है ही, लेकिन क्या ये जगह पहले से है, या इस जगह के कुछ हिस्से को तोड़ के इसको बनाया गया, क्या है क्या यहाँ पर, इसका पूरा सर्वे जो है उसको कंडक्ट किया जाएगा। जब यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया जाता है 14 दिसंबर 2023 को, उसी के बाद में जो ईदगाह का पूरा एक कमीशन बना हुआ है, या आप कह सकते हैं कि जो सुन्नी बोर्ड है, उन्होंने यहाँ पर अलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो बात कही गई है उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब उनका कहना ये है कि यहाँ पे सर्वे कराने की कोई जरूरत नहीं, ये जगह ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। ये बात बोली गई किसके द्वारा? सुन्नी बोर्ड के द्वारा। उसके बाद में सुन्नी बोर्ड ने ईदगाह, यानी शाही ईदगाह जो है, इसके साथ में मिलके एक पिटीशन फाइल किया अलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, और बोला गया कि आपने जो यहाँ पे सर्वे के अभी ऑर्डर जारी किए हैं उसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए, उसके ऊपर रोक लगा दी जाए। तो अलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि अब बनाया जाएगा एक कोर्ट कमिश्नर जिसकी जिम्मेदारी होगी कि इस पूरे एरिया को वो सर्वे करेगा और यहां से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको सामने रखा जाएगा।
कुछ बच्चों के दिमाग में जो काफी टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं उनके दिमाग में एक और जगह तुरंत से टक से जाके लड़ी होगी, वो है वाराणसी। मैंने आपको वहां पे भी जो डिस्प्यूट हुआ था, अगर आपको ध्यान हो ज्ञानवापी मस्जिद वाला जो डिस्प्यूट था, वहां पे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे कंडक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा जो पूरा का पूरा जजमेंट आया है या जो अनाउंसमेंट आया है उसी को एक बार फिर से सुर्खियों में आपको देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि भाई 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर राम मंदिर इनोग्रेट किया जाएगा, तो ये जो चीजें हैं इसको भी जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जजमेंट दिया गया, अब इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब पॉइंट ये आया कि भाई यहाँ पर ये विवाद बना कैसे, मतलब इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, है ना। चले तो आइए जरा हम लोग जरा चलते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की बात करते हैं, और एक बार कमेंट के अंदर तो जय श्री कृष्णा बोलना बनते ही है ना। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण जी की बात करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जन्माष्टमी भी आती है उस दिन भी आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे झांकी लगाई जाती है, और झांकी में भी आप देखेंगे तो जेल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो इमेज नजर आ रही है, इस इमेज से आपको पता चल रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म होता है वो जेल में होता है, राइट। और जेल ये जो आप देख रहे हैं ये किसकी होती है, कंस मामा की जेल होती है, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं इसी को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है, और ये क्या है, ये वही जेल वाली जगह है। हम जब मथुरा गए थे अभी अक्टूबर में, तो हम लोग इस जगह पे गए थे, तो वहां पे आप जाएंगे तो बहुत ही पतली सी, मतलब इन्होंने स्टेयर्स वगैरह बनाए हैं, वहां से आप अंदर की तरफ जाओगे तो वहां आपको पूरा जेल का एरिया देखने को मिलेगा प्रॉपर। अभी भी उसको, उस जगह को यहाँ पे कंजर्व करके रखा गया, अगर आप कभी यहाँ पे जाएं तो आप जरूर इस जगह पे जाइएगा और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। चलिए ठीक है, अब इसी जगह पर क्या हुआ था, कटरा केशवनाथ मंदिर जो है उसको बना दिया गया। ठीक है, आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो मंदिर है, इस मंदिर को बनवाया गया। लेकिन जब इस मंदिर को बनवाया गया था उसके बाद में बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने इसके ऊपर अटैक किया, बहुत सारे ऐसे रूलर्स आए हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने इसके ऊपर के जो हिस्से थे उनको तोड़वाया। लेकिन जब हम बात करते हैं 400 सेंचुरी की, तो उस टाइम पे आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त 2 का साम्राज्य आपको देखने को मिलता है, और उन्होंने इस मंदिर का, मतलब ये जो पूरा टेम्पल, जो पूरा मंदिर आपको नजर आ रहा है, इसका पूरा एक बार से रिकंस्ट्रक्शन कराया, और ये जो मंदिर है इसकी स्थापना यहाँ पे की गई। बट मुगल शासक, हम सभी लोग जानते हैं इनके बारे में, जब मुगल काल भारत के अंदर था तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ा गया था। लेकिन अगर हम उससे पहले के टाइम की बात करते हैं तो ये जो एरिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक नाम देखने को मिलेगा 1018 में, यानी कि 1018 में महमूद के द्वारा अटैक किया जाता है, कहाँ पे, मथुरा के अंदर। और यहाँ पे जो अटैक किया जाता है, ये जो मंदिर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो मंदिर है इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो महमूद गजनवी जो कि अफगानिस्तान की तरफ से आता है, और वो 1017 और 1018 के बीच में इस जगह पे अटैक करता है मथुरा के अंदर, और इस पूरे के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट इसके बारे में सारी जानकारी मिली कहाँ से कि ऐसा कुछ किया गया, तो जब यहाँ पर महमूद गजनवी आता है तो उसके साथ में उसका एक दरबारी भी आता है जिसका नाम है अल उतबी। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई, और उस किताब के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो मंदिर यहाँ पे बना था मथुरा के अंदर, भगवान श्री कृष्ण की ये जो जन्मभूमि है, इस जगह को डिस्ट्रॉय किया गया। अच्छा, बट डिस्ट्रॉय किया क्यों भाई? देखिए, सिंपल सी बात है, हमारे देश के अंदर हमारा जो कल्चर है तो उससे जुड़े हुए जितने भी टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी पुराने टेम्पल्स हैं, उनको अगर हम आज के टाइम पे रिक्रिएट करने जाते हैं, एक तो वैसा वो बन नहीं पाता, साथ ही साथ में उसके लिए उस समय के जो कलाकार हैं या फिर जिन्होंने उनको बनवाया था, उस तरीके की कलाकारी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ हमारे लिए मानी जाती है। तो उस टाइम पे इसको तुड़वाया गया था क्योंकि गजनवी को लगता था कि इस तरीके के जो मंदिर हैं, अगर हम आज के टाइम में इसका निर्माण करना चाहें तो वो बहुत मुश्किल है, तो इनके पास में इतनी अच्छी चीजें कैसे हैं, है ना। इस बात को उसने सोचा और यहाँ पे इस पूरे एरिया को उसने क्या किया, डिस्ट्रॉय करा दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, बताया जाता है कि ये जो पूरी जगह है
जिसके ऊपर इसने अटैक किया था। तो अटैक करने के बाद में ये जो मंदिर था यहाँ पे 5 सोने की मूर्तियां हुआ करती थी और यहाँ पे इतना ज्यादा सोना था, इतना ज्यादा सोना था कि ये उनको ले नहीं जा सका। तो इसने क्या किया, इसने उस सभी सोने को गला दिया, पिघला दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि सोने को यहाँ से जब वो अपने यहाँ पे वापस लेके जा रहा था तो उसने बहुत सारे ऊंटों का इस्तेमाल किया। बताया जाता है करीबन 100 से ज्यादा ऊंट जो कैमल थे उनका इस्तेमाल किया गया यहाँ पर सोने को लेके जाने में। इवन ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे जो मूर्तियां थी जो कि गोल्ड की बनी थी, जो कि सोने की बनी हुई थी, उनमें हीरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे तख्त बनाए गए थे जिसमें हीरे का, कोहिनूर का, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था। उसी तरीके से यहाँ पे जो मूर्तियां थी उनकी जो आंखें बनाई गई थी उसमें हीरों का इस्तेमाल किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा महंगी होंगी या कितनी ज्यादा प्रीशियस होंगी हमारे लिए। तो इन सब चीजों को उस टाइम पे इसने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। चलिए ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में 1150 का समय आता है और इसी जगह पर, ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, इसी जगह पे क्या होता है, एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन फिर से करवाया जाता है 1150 के समय पर। चलिए ठीक है, मंदिर यहाँ पे बन गया। लेकिन उसके बाद में समय आता है लोदी डायनेस्टी का। लोदी डायनेस्टी यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की सबसे आखिरी जो डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है, उस टाइम में आता है सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी को जब पता चलता है कि इतना ज्यादा खूबसूरत मंदिर यहाँ पे बना हुआ है तो वो इसको क्या करता है, पूरी तरीके से एक बार फिर से तुड़वा देता है। तुड़वाने के बाद में जो जजिया टैक्स है जो कि लगाया जाता है, उस टैक्स को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है और यहाँ से ये जो पूरा का पूरा एरिया था ये एक बार से खंडहर बन जाता है। ओके ठीक, फिर आते हैं मुगल्स, है ना। ये दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल्स की एंट्री होगी ना, बाबर आएगा घूमने के लिए, फिर उसका दिल यहाँ खो जाएगा दिल्ली के अंदर, बस फिर वो यहीं रह जाता है। तो इसके बाद में आती है मुगल्स की एंट्री। हम जब मुगल्स की बात करते हैं तो मुगल्स के टाइम पे हमें जो एक नाम सुनने को मिलता है वो है औरंगजेब का, है ना। तो जब हम औरंगजेब की बात करते हैं, ये आपको दो इमेजेस नजर आ रही होंगी, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ आपको ईदगाह देखने को मिल रहा है। तो जब हम औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब ने जितने भी भारत के अंदर मंदिर थे सबको तोड़वाया था, ये हम लोग हमेशा से इतिहास में पढ़ते चले आ रहे हैं, राइट। तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है इमेजेस जो दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि जो औरंगजेब है, ध्यान से सुनिएगा, जो औरंगजेब है जब वो ट्रैवल करता था दिल्ली से आगरा या फिर आगरा से दिल्ली, तो जब वो आगरा से दिल्ली जा रहा था तो उसको रास्ते में बहुत ही ज्यादा चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि सिकंदर लोदी ने क्या किया था, उस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय करवा दिया था, ठीक है, लेकिन उसको रोशनी दिखाई देती है। तो यहाँ पे औरंगजेब ने पता कराया कि जो रोशनी है, रोशनी आ कहाँ से रही है। तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि लोदी डायनेस्टी के समय पर एक जगह ऐसी थी जिसको पूरी तरीके से खंडहर बना दिया गया था, उसी जगह पे एक बार फिर से एक मंदिर का निर्माण किया गया था जो कि 4 स्टोरी का था। वो कोई और मंदिर नहीं बल्कि वो यही मंदिर था। और इस मंदिर का जो सबसे टॉप एरिया था वहां पे सोने की एक छतरी भी लगाई गई थी। इवन ऐसा भी बताया जाता है कि इस मंदिर की जो चमक थी, इस मंदिर की जो शाइन थी वो इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा खूबसूरती से उसके अंदर आपको चमक देखने को मिलती थी कि उसे दिल्ली से और आगरा से आराम से देखा जा सकता था। मतलब आप सोच रहे हो, मथुरा सेंटर में एक तरफ दिल्ली, एक तरफ आगरा, और इसकी चमक इतनी तेज थी, इतनी तेज थी कि वो वहां पे भी विजिबल होता था। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो जब औरंगजेब को ये बात पता चली कि ओ ऐसा भी कुछ है यहाँ पर, तो यहाँ पे औरंगजेब जाते हैं और इसके जो ऊपर के दो हिस्से थे उसको तोड़वा दिया जाता है, क्योंकि ये मंदिर था तो उसके ऊपर के दोनों हिस्सों को तोड़वा दिया जाता है। और उसी टाइम पर यहाँ पे डिसाइड करता है औरंगजेब, एक टाइम यानी कि 1670 के अराउंड का टाइम होता है जब औरंगजेब यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, तो जो हिस्सा यहाँ पे पूरी तरीके से मलबा बन जाता है ना, पूरा हिस्सा अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो ऊपर का जो हिस्सा तोड़ा गया था उसी टूटे हुए हिस्से पर नमाज पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पे जो हिस्टोरियंस बताते हैं उनके द्वारा ये बताया गया था कि जब वो ट्रैवल कर रहा था तो इसी टूटे हुए हिस्से पर उसने क्या किया था, नमाज पढ़ी थी। और उसके बाद से ही इस पर्टिकुलर जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1815 के बाद में एक तरफ आपको मस्जिद और एक तरफ आपको जो
भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है वो आपको देखने को मिल रही है, चलो ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 1951 का टाइम आता है और भगवान श्री कृष्ण जी के नाम पर श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाई जाती है। और इस ट्रस्ट के द्वारा कहा गया कि जिधर की तरफ पे ये एरिया आपको नजर आ रहा है ना, इस साइड वाला जो एरिया है वो 2.5 एकड़ का एरिया है और इसको दे दिया जाता है किसको, ईदगाह कमेटी, जो कि काम करती है किसके लिए, इस पर्टिकुलर ईदगाह के लिए, ठीक है। और ये हिस्सा इनको कब परमानेंटली दे दिया गया, 1968 में इस ट्रस्ट के द्वारा, यानी कि जो ट्रस्ट यहाँ पे बनती है, ये ट्रस्ट बनती है 1951 में, इन्होंने कुछ हिस्सा इनको दे दिया और बोला कि ठीक है ये बना है, फाइन ठीक है बना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रिलीजन्स की यूनिटी को यहाँ पे दिखाया गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, ये बात थी 1968 की, लेकिन उसके बाद में होता है अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद, याद होगा आपको। तो अयोध्या के अंदर जब ये बाबरी मस्जिद वाला केस होता है, उसके बाद में ही 1992 में एक व्यक्ति थे मथुरा के, उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी, कहाँ पे, मथुरा के अंदर ही एक पिटीशन फाइल कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर कहा गया कि ये मस्जिद पहले से नहीं थी, इसको यहाँ पे बनवाया गया है, तो यहाँ पर इस मस्जिद को हटना चाहिए और ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जिस तरीके से अयोध्या के अंदर हम आज देख रहे हैं, मे भी आने वाले टाइम में कुछ आपको ऐसा देखने को यहाँ पर भी मिले, इसीलिए इसको अयोध्या के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा का पूरा डिस्प्यूट है ये समझ में आ गया होगा, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से है और आज के टाइम पे जो डिस्प्यूट है ये कैसे जुड़ा हुआ है। हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है जस्टिस मयंक कुमार जी का नाम, जिन्होंने अभी 14 दिसंबर को अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाया है, इससे पहले भी वर्डिक्ट आ चुका था 7 नवंबर को, बट एक बार फिर से इन्होंने अपना वर्डिक्ट सुनाया है। तो आई होप कि आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये डिस्प्यूट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और साथ ही साथ में ये जो बेंच बनती है इस बेंच के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। मेरा आपसे एक छोटू सा सवाल है, आप मुझे ये बताइएगा कि हमारे संविधान के हिसाब से अब तक का ऐसा कौन सा केस रहा है जिसके अंदर सबसे बड़ी बेंच को बनाया गया और कब बनाया गया, कॉमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिएगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे एक बार से कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह के सेशन में, इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल। मुलाकात करते हैं आपसे कल सुबह इसी जगह पे 7 बजे, टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।